वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पे। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज जो आप घर देखने जा रहे हो बेहद शानदार, खूबसूरत और अपने आप में एक अलग चीज़ है, क्योंकि इस घर के बड़े ही सिंपल तरीके से बनाया गया और बिल्कुल एक फैमिली को लिहाजे में रखते हुए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, घर जो हमारा रहेगा आज का बिल्कुल 150 गज का रहेगा, 150 स्क्वायर यार्ड का, जिसकी जो विड्थ रहेगी आपके 27 फिट की रहेगी और उसके अलावा जो आपके डेप्थ है वो आपके 50 की रहेगी। काफ़ी अच्छा दिन है, सनी डे है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सूर्यदेव का बिल्कुल नज़र पूरी हमारे ऊपर ही आज पड़ रही है। अच्छी खासी गर्मियाँ पूरी यहाँ पर चल रही हैं। तो दोस्तों, मेन एंट्रेंस जो हमारी रहेगी बिल्कुल आयरन की रहेगी और इसमें अगर आपको यहाँ पर छोटी छोटी खाली जगह यहाँ पर नज़र आ रही होगी तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी वुडन क्लैडिंग आपकी लगने वाली है। दोनों तरफ पिलर्स जो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल टाइल्स के साथ कवर किए गए हैं और ऊपर आपको जो है लैंप्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे गेट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है हमारा पार्किंग एरिया वो काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। प्रॉपर ग्रेनाइट आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा पूरे पार्किंग के अंदर, ग्रे कलर में आपको पूरी पार्किंग आपको मिल जाती है यहाँ पर। लुक्स काफ़ी अच्छी है हमारी पार्किंग की, इजीली आपकी जो बड़ी SUV है वो भी आराम से लग जाएगी। और पार्किंग के साथ अगर मैं आपको साइड की तरफ दिखाऊं तो आपके 2-व्हीलर पार्किंग आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और साइड में आपकी स्पेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और लुक्स को थोड़ा एनहांस करने के लिए हमने स्पेस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो आपके पास जो है रेलिंग साइड में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ग्रे कलर के अंदर आपको साइड में रेलिंग मिल जाएगी और जो फ्रंट एलिवेशन है आपका पूरा का पूरा एक अच्छा साइज के साथ कवर किया हुआ लुक्स के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बड़ी सी खिड़की आपको यहाँ पर मिलने वाली है बिल्कुल, ताकि सनलाइट और वेंटिलेशन आपका घर के अंदर पूरा बना रहे। तो ठीक यहाँ से हमारे घर का फ्रंट शुरू हो जाता है, ठीक यहाँ से है। यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस जो कि हमें वायर मैश भी मिलता है और प्लस इसके साथ वुडन भी मिलता है। स्टेयर्स आपको यहाँ पर बाहर से मिलेंगी, ताकि अगर आप ऊपर रेंट आउट करना चाहते हो या फिर आपकी जॉइंट फैमिली है तो दोनों ही पर्पज़ यहाँ पर इजीली सॉल्व होंगे। और बता दूं आपको, जो हमारी एंट्रेंस आपको मिलने वाली है ग्रैंड एंट्रेंस आपको यहाँ पूरी मिलती है, एक शानदार सा दरवाज़ा जो कि एक अच्छी फीलिंग हमें देता है जब हम अपने घर के अंदर आते हैं। वुडन डोर हमें यहाँ पर पूरा प्रॉपर मिलने वाला है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, एक अच्छे पॉलिश किया हुआ, अच्छे लुक्स के साथ हमें यहाँ पर पूरा मिल जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों, थोड़ा सा अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे पास जो हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया वो बेहद शानदार है। और दोस्तों बता दूं, जो हमारे घर की लोकेशन है ये बिल्कुल वेल नाउन लोकेशन जो इसे हम जानते हैं, आप भी इसे को अच्छे तरीके से जानते हैं, सेक्टर 125 मोहाली, जिसे हम सनी इनक्लेव के नाम से भी जानते हैं। और एक ऐसी लोकेशन है सनी इनक्लेव की कि जो आपके हर तरह से रोड्स के बीच में आती है, एक मिडल वाली लोकेशन हम कह सकते हैं। किसी भी सिटी के अंदर जाना हो आपने, अगर दिल्ली से मनाली की तरफ आ रहे हो तो चंडीगढ़ में एयरपोर्ट रोड के होते हुए आप यहाँ से निकलेंगे, और अगर आप जम्मू से आ रहे हैं और आपने जाना है चंडीगढ़ की तरफ तो आप इसी लोकेशन से होकर निकलेंगे। और चंडीगढ़ का डिस्टेंस जो यहाँ से है बिल्कुल महज 4 किलोमीटर का है। प्रॉपर आपको 5 हॉस्पिटल जो हैं हमारे सनी इनक्लेव के अंदर मिल जाते हैं, 3 इंटरनेशनल स्कूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, मार्केट आपको पूरी फुल फ्लैज मिल जाती है। एक अच्छी लोकेशन है, बसा हुआ एरिया आपको जैसे बोल सकते हैं वो ऐसा एरिया आपको मिल जाता है। डेवलपिंग एरिया है लेकिन एक अच्छा एरिया मिल जाता है जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, इजीली हमारे जितने भी दोस्त हैं आते हैं यहाँ पर आराम से घर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ड्राइंग एरिया जो रहेगा हमारा 24 फिट का रहेगा, तो 24 फिट में आपने ऑलरेडी देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कितनी स्पेस है। आप इजीली यहाँ पर जो है बड़ा वाला जो आपका सोफ़ा सेट होता है जिसे हम बोलते हैं 9 सीटर, वो आप आराम से यहाँ पर रखें। उसके अलावा आपके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इजीली आप इन कॉर्नर्स के अंदर अपने जो हैं फ्लावर पॉट्स हैं या फिर कोई और अच्छी चीज़ रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। छोटी सी पार्टीशन हमें यहाँ पर की है, एक डिज़ाइनिंग जो कि वुडन के अंदर है। कई बार होता है कि हमारे पास ड्राइंग और डाइनिंग एरिया की स्पेस तो अच्छी होती है, अगर पार्टीशन ना करें तो लुक्स काफ़ी थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगती है क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है वो। और सीलिंग डिज़ाइन जो आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, चाहे वो आपका ड्राइंग एरिया हो चाहे वो बेडरूम हो, तो हर जगह पर आपको जो लुक्स है वो हर अच्छे से मिलने वाली है। और अगर ठीक इस तरफ हम देखें तो हमारी जो है फर्स्ट फ्रंट विंडो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और काफ़ी बड़ी विंडो है। और बड़ी विंडो का मतलब ये होता है कि बाहर से अगर देखें तो उसकी लुक्स बहुत अच्छी आती है घर की, और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ देखें तो एक बड़ा वाइड स्क्रीन जो होता है वो व्यू यहाँ से आता है।
तो एक बड़ा अच्छा व्यू आता है अगर आपके घर के बाहर कुछ हरा भरा हो या कुछ हो, तो बड़ी विंडो का फ़ायदा बहुत होता है। सिर्फ लाइट और वेंटिलेशन ही सिर्फ हम नहीं देखते, बाकी चीज़ें भी हम बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर। और ठीक आपके ड्राइंग के साथ हमारे पास डाइनिंग एरिया आ जाता है, तो स्पेस यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छी, इसलिए आप 6 सीटर लगाएं, ओवल टेबल लगाएं, लंबा सा बड़ा सा, तो आराम से आपके पास स्पेस जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी आने वाली है। और मेरे पीछे जो वॉलपेपर देख रहे हो, सेम वॉलपेपर आपका ड्राइंग और डाइनिंग दोनों की तरफ एक ही रखा हमने, ताकि थोड़ा सा अलग ना रहे, लुक सिमिलर रहे। तो यहाँ पर आपके पास ठीक आपका टीवी पैनल, एक अलग लुक्स के साथ आपको टीवी पैनल यहाँ पर पूरा प्रॉपर मिलने वाला है। सनमाइका आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, जो कि ड्यूरेबल है, लुक्स अच्छी हैं। आराम से आप अपना टीवी यहाँ पर लगाएं और हर चीज़ का मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। और ठीक आपके डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो हमारी किचन आपको नज़र आएगी, जो कि 10x10 की है। और इस किचन की अगर फ्रंट की तरफ आप देखेंगे तो एंट्रेंस एक बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, पूरे वुड वर्क के साथ इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ से तो पूरा का पूरा पॉलिश किया हुआ है। साइड पे आपको छोटा सा ग्लास वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला, उसके बाद हमारी किचन की एंट्रेंस। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे कर्टन्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने ओपन रखना है तो ओपन भी आप कर सकते हो, तो थोड़ा सेमी ओपन किचन आपकी यहाँ पर बन जाती है, तो लुक्स अच्छी रहती हैं इससे। और किचन का साइज अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको समझ आएगा कि एल शेप के अंदर 10x10 एक वाकई काफ़ी खूबसूरत साइज होता है। इजीली अगर यहाँ पर 2 या 3 लोग भी खड़े हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काम करने के अंदर, बिना किसी के अंदर फंसे आप आराम से काम कर सकते हैं। प्रॉपर आपको इस तरफ जो है वेट एरिया आपका हमारा बिल्कुल चेंज कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल अलग से स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक यहाँ पर मिलेगा। सामने की तरफ आपको टैप्स जो कि एक प्रॉपर वारंटी के साथ आपको लगने वाले हैं, उसके ऊपर ठीक खिड़की आपको मिल जाएगी बिल्कुल वेट एरिया में, ताकि आपकी कोई चीज़ है वो ज़्यादा देर तक गिली ना रहे। और ठीक इसके साथ आपके जो है काउंटर आपका पूरा शुरू हो जाता है, और काफ़ी बड़ा काउंटर हमें यहाँ पर मिल जाता है। प्रॉपर ग्रेनाइट हमें मिलेगा यहाँ पर एक अच्छे लुक्स के साथ। और ग्रेनाइट के थोड़ा सा सामने देखेंगे आपको टाइल वर्क भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और देखिए बिल्कुल सिंपल और सॉबर लुक्स जो है वो इस घर के अंदर आपको पूरी मिलने वाली है शुरू से एंड तक। मतलब देखते ही कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये घर बड़ा शानदार सा है, ये रहने वाला है, या हमारे लिए जैसे बोलते हैं वो एग्जैक्टली वैसी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक यहाँ आपके लिए जो है चिमनी की जगह यहाँ पर छोड़ी गई है, उसके अलावा दोनों तरफ आपके पास जो है कैबिनेट्स प्रॉपर आपको मिलेगा हाइड्रोलिक्स के साथ, और सारे के सारे डबल लेमिनेशन होंगे, ताकि ये आपकी जो प्लाई है वो सालों साल चले, ख़राब ना हो, उसकी लाइफ जो है वो बनी रहे। तो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ तक आपके पूरे कैबिनेट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा गीज़र के पॉइंट्स, आरओ का पॉइंट, वो अलग से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। उसके नीचे जितने भी कैबिनेट्स आपको हैं, ड्रॉर्स हैं नीचे आपके पास, वो प्रॉपर आपको मिलेंगे, और एक अच्छे हैवी मटेरियल के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली हर चीज़। तो यहाँ स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली है, हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली वेट एरिया वहाँ पर है, कुकिंग आप यहाँ पर कीजिए, चॉपिंग इस तरफ करना चाहते हैं या उस कॉर्नर में करना चाहते हैं इजीली आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका फ्रिज है वो, उसके लिए आपके लिए प्रॉपर यहाँ पर स्पेस आपको पूरी मिल जाती है। आप बड़े से बड़ा फ्रिज आप यहाँ पर रखिए, आराम से आप जैसा भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मतलब कि 10x10 की किचन है, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आने वाले टाइम में कभी भी। तो दोस्तों किचन के बाद हमारा फर्स्ट बेडरूम, और बेडरूम के भी जितने डोर्स रहेंगे आपके 8 फिट के रहेंगे, अच्छी एंट्रेंस यहाँ पर आपको मिल जाती है। और डोर्स आपके जो देखेंगे आप बिल्कुल डिज़ाइनर डोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्रॉपर पॉलिश किए हुए हैं, ऐसा नहीं रहेगा कि आपके जो वुडन आगे जाके चेंज कर दी गई हो, एग्जैक्टली एक अच्छी चीज़ जिसे बोलते हैं वो हमें मिलती है। और एंट्रेंस पर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा ग्रेनाइट के साथ में एक डिज़ाइन बनाया गया, जो कि बहुत कम जगह पर होता है, सिंपली वैसे आपको जो होता है लगा कर दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग की गई हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा बेडरूम शुरू होता है, जो कि 14x13 एक अच्छा खासा साइज़, बहुत रेयर होता है इतना बड़ा साइज़ हमें देखने को मिल जाए 14x13 का। और इस साइज़ का मतलब ये भी होता है कि आपके पास 6x6.5 का बेड लगाने के पास यहाँ स्पेस ही स्पेस है, और किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो आराम से आप उसे यूज़ कीजिए। प्रॉपर वार्डरोब्स जो रहेंगी आपकी सीलिंग की हाइट तक रहेंगी, और स्लाइडर्स के साथ रहेंगी आपको, काफ़ी अच्छे कलर्स के साथ आपको पूरी वार्डरोब्स यहाँ पर मिलने वाली है। और जो स्पेस हमें अंदर नज़र आती है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीप है, 2-2 फिट तक अंदर पूरी प्रॉपर जा रही है। और इसके अलावा आप जितना भी सामान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कमी आपको रहने वाली है, लगने वाली है। और वार्डरोब्स के साथ ही आपके पास जो है ड्रेसिंग एक तरफ मिल जाता है यहाँ पर,
ये खास चीज़ें बहुत कम जगह पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और ड्रेसिंग में भी आपके स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर पूरी प्रॉपर मिलेगी, ताकि आपका जैसा भी सामान हो, जितना भी सामान हो, वो कोई प्रॉब्लम ना आए। और ठीक आपके बेड के बैक पर जो है आपको एक अच्छा शानदार वॉलपेपर आपको मिल जाता है, जिसके लुक्स बिल्कुल अलग है। और बेड के बिल्कुल फ्रंट पे आपको जो होगा आपका टीवी पैनल। टीवी पैनल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाया गया, एक अच्छी लुक्स के साथ बड़ा ड्यूरेबल सा एक अच्छी तरीके के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। आपके सेट टॉप बॉक्स के लिए ऊपर हमने स्पेस यहाँ पर रखी गई है, या फिर आप यहाँ नीचे भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप टीवी पे को यहाँ पर लगाएं, 40 इंच तक का अगर आप टीवी यहाँ पर लगाते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, बाकी उससे बड़ा लगाना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी है, स्पेस हमारे पास पूरी है। उसके अलावा जो नीचे है स्टोरेज हमारे पास दोनों आपके लिए मिलेंगी, और सीलिंग पर जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ भी पूरा पूरा प्रॉपर मिलने वाला है, और कंसील लैंप्स के साथ मिलने वाला है यहाँ पर। दोस्तों जो लोग जो है यहाँ पर सनी इनक्लेव के अंदर रह रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ से अगर आईटी पार्क जो मोहाली का है वो सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो एक ऐसी लोकेशन है कि जितने भी तकरीबन आईटीज वाले जो रहते हैं यहाँ पर लोग, तो बिल्कुल इजीली अप डाउन कर लेते हैं, और तकरीबन लंच टाइम पे घर पे आना फिर वापस जाना तो वो एक आम चीज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे इस बेडरूम के साथ आपका जो वॉशरूम है वो आपको अटैच मिलेगा यहाँ पर, और टाइल कलर जो है या कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, बिल्कुल सिंपल और सॉबर घर जिसे बोलते हैं एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पर पूरा मिलने वाला है। और इसके साथ हमारे पास एक खिड़की आपको मिल जाएगी, और प्लस यहाँ पर आपके पास जो है वॉशिंग एरिया जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, और स्पेस आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। इसलिए अगर आप एसी को लगाते हैं बाहर की तरफ तो आपके एसी की जो कूलिंग है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक तो वैसे हमारे घर जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनाएंगे कि आपका ठंडा रहे, और सेकंड पीछे से वेंटिलेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। तो बढ़ते वापस अंदर की तरफ। दोस्तों एक सेक्टर के अंदर अगर 3 इंटरनेशनल स्कूल्स है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सेक्टर जो है वाकई काफ़ी अच्छा डेवलप कर चुका है, और 5 हॉस्पिटल्स होना, हॉस्पिटल सिर्फ वहीं बनते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आबादी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी हर किसी को आजकल ज़रूरत होती है, और ग्रीनरी आसपास आपको अच्छी मिल जाती है हर एरिया, पूरे एरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरी है ऑक्सीजन जिसकी बात करते हैं हम, वो यहाँ पर अच्छी मिल जाती है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम, और बेडरूम के पास जो साइज़ आपको मिलेगा इस बेडरूम के अंदर अगेन आपको 14x13 का पूरा प्रॉपर साइज़ आपको मिलने वाला। सीलिंग पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है LED लैंप्स के साथ, इजीली आपके फ़ैन की स्पेस ऊपर मिल जाएगी। उसके अलावा ठीक इधर देखते हैं तो आपकी जो वार्डरोब्स है अगेन आपको पूरी सीलिंग की हाइट तक की पूरी मिलने वाली है, और अगेन स्लाइडर के साथ आपको मिलने वाली है, ताकि जो स्टोरेज है आपके वो पूरी प्रॉपर रहे, उसमें कोई कमी ना हो। आप चाहे ऊपर जितना सामान रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, नीचे रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अगेन आपका जो है ड्रेसिंग आपको पूरा प्रॉपर मिलने वाला है यहाँ पर। तो दोनों ही बेडरूम्स के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, दोनों तरफ आपको जो चीज़ें हैं वो पूरी प्रॉपर मिल जाती हैं यहाँ पर, कि आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो या रह ना जाए। और हमारे बेड के बिल्कुल बैक पर जो है आपको एक अच्छा सा टेक्सचर पेंट के साथ डिज़ाइन के साथ एक वॉलपेपर आपको मिल जाता है। और वही चीज़ जैसे आपका बेड है, बेड के बिल्कुल ठीक सामने आपका टीवी पैनल जो लुक्स बिल्कुल अलग कर देता है हमारे बेडरूम की, वो हमें यहाँ पर पूरा मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़ आप देखेंगे कि जो सीलिंग पर डिज़ाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग आपको यहाँ पर मिल रहा है, बहुत कम जगह पर होता है कि ऐसा डिज़ाइन आपको देखने में मिले। बिल्कुल पूरी की पूरी सीलिंग को यहाँ पर कवर किया गया है, हाइट अच्छी है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर। और ठीक आपके बेडरूम के अंदर एक बड़ी सी खिड़की हमें यहाँ पर मिल जाती है, और आप ये लगा लीजिए कि इस खिड़की के साथ अगर आपको लगता है कि हमने टेबल एक तरफ लगाना है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, स्टडी टेबल या फिर जैसे भी आपका वर्क फ्रॉम होम अगर आपका चल रहा है घर पे तो आप यहाँ पर बैठकर उसको अच्छे से काम कर सकते हैं अपना। और वॉशरूम दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो रहेगा अटैच मिलने वाला है। सोबर से कलर्स आपको हर जगह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लुक्स हर तरफ पूरी और प्रॉपर मिलती है हमें। दोस्तों सनी इनक्लेव एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाती है, तो उसके अंदर हमने एक ये बिल्कुल सिंपल घर आपके लिए बनाया है, ताकि
रहने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि कुछ वो चीज़ ओवर हो गई हो या लुक्स के साथ अलग हो गई हो, लेकिन क्वालिटी को हमने यहाँ पर पूरा मेंटेन किया आपके लिए। तो दोस्तों ये था हमारा नीचे का फ्लोर जहाँ पर दो बेडरूम हॉल किचन आपको मिल जाता है। और बढ़ते हैं हम अब ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर। तो स्टेयर्स हमारी जो बाहर से हमें मिलने वाली है, प्रॉपर ग्रेनाइट हमें मिलेगा हमारी स्टेयर्स के ऊपर एक अच्छे तरीके के साथ, अच्छा डिज़ाइन के साथ। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमें यहाँ पर पूरी मिलती है, एक अच्छी क्वालिटी जो है वो यहाँ पर पूरी मेंटेन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और अगर आप के घर में बुज़ुर्ग हैं, जो कि तकरीबन हम सबके घर पे होते हैं, तो आपको एक बार भी ऊपर चढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि स्टेप्स जो हैं वो बड़े अच्छे बड़े बड़े रखे हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आपकी मॉर्निंग्स को और इवनिंग्स को और खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास एक बड़ी सी बालकनी जिसका पूरा मज़ा लेंगे। ठीक यहाँ पर आपकी बालकनी जो कि स्टेनलेस स्टील के साथ और ग्लास के साथ मिल जाती है। उसके अलावा ये वो एरिया जहाँ पर आप बैठेंगे और तकरीबन अपनी हर चीज़ का मज़ा लेंगे। और ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर यहाँ पर भी अगेन वायर मैश मिलने वाला है, और उसके साथ आपका जो है वुडन अगेन आपको यहाँ मिल जाता है। तो ओपन करते हैं, तो दोस्तों अंदर आने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको चीज़ें यहाँ पर पूरी मिलेंगी। प्रॉपर आपको 17x9 का जो है ड्राइंग एरिया यहाँ पर पूरा मिल जाता, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसलिए आप 5 सीटर लगाएं तो सेंटर टेबल के साथ आप आराम से यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं। एक अच्छी स्पेस आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाती है, चाहे वो सीलिंग डिज़ाइन हो चाहे वो कुछ भी हो। और ठीक इस तरफ आपके पास जो है किचन आपको मिल जाता है, और यहाँ पर हमने ओपन रखा है 10x10 का किचन। और यहाँ पर देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये किचन वाकई बहुत बड़ा है, और ये वाकई है भी है। सेम पैटर्न जैसा हमने नीचे देखा था उसी पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पर भी आपको किचन में आप पूरा मिलेगा एल शेप के अंदर, जहाँ पर आपको प्रॉपर कैबिनेट्स और ड्रॉअर्स आपको पूरे मिल जाते हैं, इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ एक खास चीज़ आपको यह मिलेगी कि हमने यहाँ पर जो वॉशरूम है आपका एक कॉमन कर दिया गया है। स्पेस आपको वॉशरूम के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और जो बेडरूम आपका रहेगा वो यहाँ पर आपके फ्रंट में आ जाता है। अगेन जो बेडरूम का साइज़ है आपको वो तकरीबन 12x14 का आपको पूरा मिलेगा, 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है मैं इसे तकरीबन बोलूँगा आपको। तो एक अच्छी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक बड़ी सी खिड़की मिल जाती है हमारे बेडरूम के अंदर ही। आप सुबह उठते हैं तो आप कर्टन्स हटाते हैं तो सीधा रोशनी हमारे घर के अंदर पूरी की पूरी आती है। हर रूम के अंदर आपके जो है एसी के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक जैसे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वार्डरोब्स हमें अगेन यहाँ पर भी पूरी मिलेंगी जैसे हमने नीचे देखा था। उसके अलावा जो है आपका टीवी पैनल वो भी अगेन आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है। तो स्पेस अगेन वैसी ही है जैसे हमने नीचे देखी थी। तो इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। ठीक इस तरफ आपका नेक्स्ट बेडरूम आया था, जो कि हमारे घर का 4th बेडरूम होगा, 4th बेडरूम, या फिर इस फ्लोर का 2nd बेडरूम। प्रॉपर सीलिंग डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पूरी लाइट्स के लिए आपके पास जो है बड़ी बड़ी खिड़की यहाँ पर मिल जाएंगी। प्रॉपर वार्डरोब आपको सीलिंग की हाइट तक यहाँ पर अगेन मिलने वाली हैं। और यहाँ पर हमने जो है स्लाइडर्स की जगह पल्ले लगाए हैं, थोड़ा सा चेंज किया है। दोनों ही ड्यूरेबल हैं, दोनों ही ओके हैं, क्योंकि रूम साइज़ हमारा अगर 14 फिट का है तो अगर चाहे आप पल्ला लगाएं चाहे आप स्लाइडर्स लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूजली स्लाइडर्स का इन्वेंशन अगर हुई थी तो खैर कुछ इसलिए गए हुई थी कि रूम्स आपके कई बार छोटे होते थे तो आप पल्ला खोलते थे तो बेड के साथ आपका लग जाता था, तो लेकिन यहाँ पर जो साइज़ है हमारे पास रूम का तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो दोस्तों वॉशरूम जो है यहाँ पर हमारे पास अटैच मिलने वाला अगेन। लुक्स अगेन हमारे जो वॉशरूम की है वो काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। दोस्तों इन घरों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, आप देख सकते हैं कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ, बिल्कुल गर्मियों के दिन है, तकरीबन आपका जो है टेम्परेचर 36 के आसपास है। इवन देन यहाँ पर अंदर कोई स्वेटिंग हो नहीं रही है, तो
फ़र्क पड़ता है सिर्फ हमारे जो है डिज़ाइंस का, वेंटिलेशन कैसी है हमारे घर की, तो वो यहाँ पर आपको पूरी मिलती है। ये वो एरिया जहाँ पर आप इजीली अपनी इवनिंग्स का पूरा मज़ा लेंगे यहाँ पर बैठकर, चाहे वो फ्रंट बालकनी हो या फिर बैक हो, वॉशिंग कीजिए या जैसे भी है। तो दोस्तों ये था हमारा घर आज का, जो कि 150 स्क्वायर यार्ड के अंदर आपको मिलने वाला है, 27x50 जिसकी डायमेंशंस रहेंगी। एक ख़ास और ख़ूबसूरत लोकेशन जिसे सेक्टर 125 मोहाली कहा जाता है, बिल्कुल 100 फुट रोड के ऊपर आपका घर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट। और ये 100 फुट रोड जो है आपको 200 फुट रोड के साथ कनेक्ट करती है, जो कि आने वाले टाइम में बिल्कुल सीधा सीधा आपको चंडीगढ़ के साथ कनेक्ट करने वाली है विद इन नो टाइम। तो दोस्तों इस लोकेशन का फ्यूचर जो है वाकई बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि घर ये आपके मतलब का है या लुक्स आपको अच्छी लगती है, तो एक बार प्लीज़ इसे आकर ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगती है, प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हाउसिंग वीडियोज़ हैं वो आपके कहीं मिस ना हो, और जो डिज़ाइंस हैं वो आपके मिस ना हो। तो दोस्तों इस वादे के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।